सजनवा थाना क्षेत्र के कालेसर टोल टैक्स के पास चार व्यक्तियों द्वारा की गई ट्रक लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें शामिल पांच अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में दीपक राय पुत्र सुरेंद्र राय ग्राम उभिका थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर, शशि शेखर राय उर्फ धीरज राय पुत्र शशिकांत राय निवासी ग्राम विंध्यानी थाना खलीलाबाद, निखिल राय उर्फ शुभम राय पुत्र अजीत राय निवासी ग्राम विधियानी थाना खलीलाबाद, सोमवीर पुत्र करमवीर ग्राम आसन थाना साफला जिला रोहतक हरियाणा शामिल है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी नारथ ने बताया कि तीन युवकों ने अवैध शराब लदी हुई ट्रक को लूट करके उसमें ले जा रही शराब को बेचने के फिराक में थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया। उन्होंने बताया कि ट्रक में अवैध शराब लदी थी, इसलिए ट्रक ड्राइवर और खलासी को भी अरेस्ट किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नारथ रोहित सिंह सहवाड़ ने बताया। जिसको लूटने का लूट के ले ले गए चार का नाम है देखिए मैं वादी इसलिए उसमें नहीं, इसमें ट्रक ड्राइवर है वो अपने एक लूट वाले मुकदमे में वादी है। आपको उसका नाम बता दें क्या? दीपक राय सर शेखर निखिल राय। क्या नाम है तुम्हारा? क्या है बापू? नाम बताओ। नाम बताओ भाई। नाम क्या था? सोनीपत थाना राई, राई। ये जो ये मुकदमा है लूट वाला 386/18 इसका ये वादी है क्योंकि इसका जो ट्रक था वो लूटा गया। देर रात्रि को एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें एक ट्रक को तीन व्यक्तियों के द्वारा लूट लिया गया था। उसमें जो ट्रक चालक था उसके द्वारा पुलिस के पास आया तो पुलिस द्वारा तुरंत ही घेराबंदी की गई और इसका जो ट्रक का पीछा किया गया तो पुलिस द्वारा ट्रक को बरामद किया गया और तीन अभियुक्तों को जिन्होंने ट्रक लूटने का प्रयास किया उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा जब ट्रक की जाँच की गई तो ट्रक के अंदर शराब रखी हुई मिली और ट्रक के अंदर जो अवैध शराब हरियाणा से बिहार की तरफ ले जाई जा रही थी उसमें जो ट्रक चालक और उसका जो खलासी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें जो एक घटनाक्रम में जिसमें दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिसमें एक ट्रक लूटने का मुकदमा दर्ज है जिसमें तीन लोग गिरफ्तार हैं और साथ ही साथ जो ट्रक था उसके अंदर अवैध शराब भरी हुई थी जिसमें ट्रक चालक और उसका जो सहचालक है उसको गिरफ्तार किया गया है। हाँ ये संत कबीर नगर के रहने वाले हैं और पढ़ने वाले वर्तमान में पढ़ाई करते हैं। तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनका कोई आपराधिक इतिहास वर्तमान में अभी तक नहीं मिला है और कहीं अन्य थानों से पता किया जा रहा है। अगर कोई आपराधिक इतिहास मिलता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। सर इनको पता था कि ट्रक में अवैध शराब? हाँ इनको ये पता था कि ट्रक के अंदर अवैध शराब भरी हुई है और इन्होंने ट्रक को जब ओवरपावर किया ट्रक को लूट लिया तो इन्होंने ट्रक चालक से संपर्क किया और उसकी आवाज़ में पैसे भी मांगने की कोशिश की। बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए की मांग की कि अगर आप 5 लाख रुपए दो तो हम उस ट्रक को छोड़ेंगे। ये लगभग 8-10 लाख रुपए की शराब इसमें रही है। लगभग 170 पेटियां इसमें शराब भरी हुई थी जो हरियाणा से ले जाई जा रही थी।